एक ओर जहाँ डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, वहीं बढ़ते लालच ने इस परिभाषा को बदल दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण सिंगरौली जिले से आ रहा है, जहाँ एक डॉक्टर ने 12 वर्षीय बच्ची के 2 घंटे के इलाज के लिए 18,000 रुपये का बिल थमा दिया। ये मामला सिंगरौली की सरई तहसील अंतर्गत गन्नी गाँव का है, जहाँ एक युवक जयसवाल पैथोलॉजी में अपनी बच्ची का इलाज करवाने गया था। बता दें कि 12 वर्षीय बच्ची उल्टी दस्त और बुखार से परेशान थी, जिसके इलाज के लिए युवक ने बच्ची को जायसवाल पैथोलॉजी में 2 घंटे के लिए एडमिट कर दिया। 2 घंटे के इलाज के बाद जब डॉक्टर गंगा जायसवाल ने बिल बना कर दिया तो वो 18,000 रुपये का था, लेकिन परिजनों के पास इतना पैसा नहीं था और परिजनों ने बिल की जाँच करवाने को कहा तो डॉक्टर ने मरीज को छुट्टी देने से मना कर दिया, जिसकी परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बच्ची का भी तबीयत खराब था और बच्ची को लाए सरकारी हॉस्पिटल में दवा करवाने, फिर सरकारी हॉस्पिटल में पर तो नहीं मिल रहा था हमको, दवा किए लेकिन वो ठीक ठाक नहीं जाना रहा था। फिर गंगा डॉक्टर भी आए, हमसे भेंट हुआ तो बोले कि हमारे पास ले चलेंगे तो ठीक हो जाएगा बच्ची। फिर गंगा डॉक्टर के पास ले गए 10 बजे, फिर गंगा डॉक्टर एडमिट किए और एडमिट करने के बाद दवा चालू किए, और दवा चालू करने के बाद 11 बजे दिन वो बताए कि 19,500 आपका बिल बन गया है, तो पैसा जमा करिए। पहले बिल नहीं बना रहे थे, फिर बहुत बहुत मुश्किल में वो बिल बनाए, और बिल बनाने के बाद बिल हमको दिए तो उस बिल को हम मांग रहे थे कि आप बिल को हमको दीजिए सर, इसको हम चेक करवा लेंगे पैसा देंगे, और नहीं तो बच्ची को हमारा छुट्टी दीजिए, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हमारा 1 लाख का गाड़ी है, आप गाड़ी रख लीजिए, हमारा चाबी रख लीजिए, हम जिस दिन पैसा देंगे उस दिन हमारा गाड़ी दीजिए। तो फिर भी बोले कि हम गाड़ी नहीं रखेंगे, हमको पूरा पैसा चुकता देने के बाद आप यहां से बच्ची उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।